रतलाम जिले में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान जारी है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जावरा अनुविभागीय अधिकारी एमएल आर्य तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले द्वारा विभिन्न स्थानों पर होटल भंडारों का निरीक्षण किया जा रहा है और साथ में नमूने लिए जा रहे हैं। खराब खाद्य सामग्री नष्ट करवाई जा रही है, ऐसी दो कार्रवाई में सोमवार को जावरा में खाद्य सुरक्षा विभाग के अमले द्वारा की गई, जो मंगलवार को भी कार्रवाई देखने को मिली। जावरा तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम चिकलाना में अनुविभागीय अधिकारी MLR जावरा एवं खाद्य विभाग अधिकारी यशवंत शर्मा तथा ज्योति बघेल के द्वारा केमिकल से बनाए जाने वाले पनीर फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही की गई। अधिक मात्रा पनीर बनाने में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थ और केमिकल जब्त कर और उस जगह को सील किया गया और वहां से लिए गए सैंपलों में कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। SDM सर जावरा के निर्देश में ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे पनीर बनता है और काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है और गलत ढंग से बना रहे, उसके लिए SDM सर जावरा के नेतृत्व में आज जो है यहाँ पे सर्चिंग हुई और निरीक्षण हुआ और मौके पे जो पनीर में उनसे पूछा गया कि केमिकल जो है मिलाते हैं वो क्या चीज़ है, वो जांच में पता लगेगा। फिर निरीक्षण करने पर जो पनीर और अपद्रव्य जो केमिकल है उसको अपद्रव्य के तौर पे और एक घी का सैंपल लिया है। टोटल 3 नमूने लिए गए हैं। कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ सर? मात्रा तो यहाँ अभी इस समय मौके पर जो है बताया था कि यहाँ से लेके गए हैं वो, और घर में जो है करीब करीब 2-2.5 किलो के करीब पनीर था और अपद्रव्य 4 लीटर के करीब जो एक डिब्बे में रखा हुआ था और घी 1.5-2 किलो के करीब था घी। तो उनका जो है नमूना लिया है और जो जांच के लिए भेजा जाएगा और जो कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। आगे जांच के बाद अगर गलत पाया जाता तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत जो भी इनके ऊपर जो नियमानुसार कार्रवाई जांच के बाद जांच रिपोर्ट कैसी आती है उसके आधार पर की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।